नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है IMT ट्रांसमिशन पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि यह कैसे काम करता है। IMT ट्रांसमिशन का मतलब होता है इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। जी हाँ, इसे हुंडई कंपनी ने डेवलप किया है। क्लचलेस ट्रांसमिशन है और अभी वेन्यू और किया सोनेट गाड़ी के अंदर आ रहा है। अभी फिलहाल दो ही गाड़ियों के अंदर है और इन फ्यूचर अगर ट्रांसमिशन लोगों को पसंद आया तो उस रिस्पॉन्स के चलते इसे और भी गाड़ियों में देखने को ये मिल सकता है और भी कंपनियां इसे अडॉप्ट कर सकती हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अपना वही जो AMT ट्रांसमिशन है उसमें ही कुछ माइनर चेंज करके और इसे बनाया गया है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इस जो IMT ट्रांसमिशन है इसके ये क्लचलेस ट्रांसमिशन है। दैट मीन्स इसमें क्लच नहीं होती। थोड़ी सी नॉइस आ रही है इसके लिए, सॉरी। हाँ, इसके अंदर क्लच नहीं होती है, इसके अंदर लेकिन गियर होता है। इसका मतलब है कि ना तो ये AMT फुल ऑटोमेटिक है और ना ही ये फुल्ली मैनुअल है। इसके अंदर क्लच का पैडल नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर क्लच होती है और वो सेंसर बेस्ड होती है, मतलब वो सेंसर पे काम करती है। इसका जो सेंसर होता है हमारी क्लच का, वो सेंसर हमारे गियर और ब्रेक के पैडल के अंदर दिया जाता है। वो ऑब्जर्व करता है कि हमें कब क्लच लगानी है। देन जैसे कि हमने अभी गियर पहले से दूसरे के अंदर शिफ्ट करना है, तो जैसे ही हम गियर को मूवमेंट, जो हमारा गियर का नोब है उसकी मूवमेंट होगी, तो वो सेंसर सेंस करके और उस क्लच को अपने आप लगा देगा। तो ये सेंसर बेस्ड होता है लेकिन क्लच इसके अंदर भी होती है। बाकी इसका रिस्पॉन्स अभी मार्केट से आना बचा हुआ है, तो आई होप लोगों को ये गियर बॉक्स अच्छा लगेगा और एज वेल वीडियो भी अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे वीडियो में आपको और भी कंटेंट देखने को मिलेगा। और अगर आप किसी बात पर आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। मैं उस पर कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो अच्छे से समझाऊं और उस पर भी एक अलग से वीडियो बनाने की पूरी कोशिश रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।